यार विक्की, तू नहीं होता तो मेरा क्या होता? मैं तो हमेशा के लिए पुरुष का योग्य रह जाता। तू एक काम करना, मुझसे शादी कर ले, सेफ तो रहूंगा सिक्योरिटी के लिए। पगला गए हो क्या बे तुम? कैसी बातें कर रहे हो? साथ दो दिन पुरुष के साथ कर रहे, तुम तो उसकी जैसी बातें भी करने लगे हो बे। भाई बिट्टू, अरे भाई हमको तो लगता है इसको पुरुष के अड्डे पे फिर से छोड़ के आना पड़ेगा। हाँ साला, इस पे तो हमको पहले से ही शक था। साला जब भी हमारे पीछे बैठता था ना तो देखो ऐसे पकड़ता था, ऐसे इतना मारेंगे कि बैठने लायक नहीं रहोगे। नियत तो इसकी चुप रहती है हमेशा से। चुप साला, हमने इस गांव को पुरुष से छुटकारा दिलवाया और तुम दोनों हमारे सामने ही लड़ रहे हो। डिसगस्टिंग पीपल। क्या मैगी बनाने गए थे? रुद्रभिया रुद्रभिया नमस्ते। नमस्ते रुद्रभिया। ये एक्टिवा किसकी उठा ले रुद्रभिया? शमा ने दिए। अरे विक्की सुनो, इस गांव को पुरुष से छुटकारा दिलवाया था ना तुमने, तो गांव के सरपंच ने तुम्हें सम्मानित करने का फैसला किया है। क्या बात कर रहे हो? और साथ में हमें भी, और गांव वालों ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। क्या बात है यार, हमने तो सोचा ही नहीं था भाई ये गांव वाले हमारा सम्मान भी करेंगे। भाई अब तो गांव की सारी लड़कियां हमारी फैन हो जाएगी। एक काम करते, चलते कहीं वो अपना इरादा ना बदल दे। चले चलो 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 चलो। हमारे गांव के समस्त ग्रामवासियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे गांव में जो पुरुष का एक भयानक माहौल था, उससे विक्की, रुद्र भैया और उनके साथियों ने हमें मुक्ति दिलाई है। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव के सरपंच महोदय द्वारा उन बच्चों का, उनकी टीम का हम स्वागत और अभिनंदन करें। मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, कृपया आप विक्की, रुद्र भैया और उनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। सरपंच साहब, मेरे गांव के प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे गांव को पुरुष से विक्की और टीम ने मुक्त कराया है। गांव की जिम्मेदारी बनती है कि उनका हौसला बढ़ाया जाए, इसलिए अब आज हम उनको गांव की तरफ से सम्मानित करने के लिए यहां बुला रहे हैं। कृपया तालियों से उनका स्वागत भी करें। सबसे पहले विक्की, हम इनको बुलेट मोटरसाइकिल से सम्मानित करना चाहते हैं। उनके अन्य साथी आपसे काम था, आपकी इतनी खूबसूरती और बॉडी का राज किया, जरा हमें भी तो बताओ ना। भाई बता दो भाई। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, राहों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओविक्की 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 के साथ ही, रुक जाना नहीं। विक्की सुनो, मैं फिरोजा के पास जाके आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। साला पुरुष से बचने का तरीका बताया हमने और बुलेट मिला उसको और हमको साइकिल। हाय विक्की। हाय। तुम तो सच में बड़े आदमी बन गए। तुमने कहा था ना तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा काम करने के लिए हुआ है, ये लो
कर ही लिया तुमने बड़ा काम, अब तो तुमसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। अच्छा तो चले फिर कॉफी पीने। चलो चलो आप। भाई जब उसके सामने होते हैं ना तो हमारे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है भाई। हमारे दिल की धड़कन ऐसे पुदक पुदक कर बाहर आती है भाई। भाई हमको कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, हम क्या करें यार, तुम हमारे भाई हो बताओ ना यार क्या करें। आई लव यू बोल दे क्या उसको, बोल दे। अबे इतना सीरियस बात कर रहे, क्या हूं हूं कर रहे हो यार तुम लोग। तुम ना एक काम करो, उनको व्हाट्सएप कर दो, अब बोल देगा टेंशन ही खत्म। क्या बोलते हो? आइडिया तो अच्छा भाई तुम्हारा, आइडिया अच्छा है इनका। है भाग जा रहा है विक्की, तुम मर्द बनो मर्द। तुमने इस गांव को पुरुष से बचाया है। दो दिन पहले की बात है। हाँ वो याद आया, याद आ गया भाई, याद आया। और तू यार इस लड़की को आई लव यू बोलने से डर रहा है यार, हैं? सही कह रहा है। एक काम कर, कल सुबह सीधा जा उसके घर, उसको जाके सीधा उसके मुंह पे बोल दे कि तू उससे कितना प्यार करता है। जो होगा देखा जाएगा, इसकी माँ का तेरा भाई बैठ रहा है इधर। सही कह रहे हो भाई, तुम हो मैं एकदम मछली भाई। दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ाई है भाई? वो यार टाइम नहीं मिला यार। देखो साले ये है हमारा भाई, तुम साले दुश्मन हो हमारे, दुश्मन हो दुश्मन। कल सुबह जाकर पहला काम यही करेंगे भाई, हम लड़की को आई लव यू बोल देंगे, जो होगा देखा जाएगा इसकी माँ की शाकिन का। पीते क्यों अबे तुम साले, जब चढ़ जाती है तो तुमको। क्या हुआ भाई, गए क्या तुम भी? अबे उठो बे, हम किसके साथ पिए? तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। Oh,
समझो जरा समझो इशारा तेरा हूं मैं सारा का सारा जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला धीरे धीरे से तेरा हुआ हौले हौले से तेरा हुआ रफ्ता तेरा हुआ तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान अरे विक्की 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 अरे विक्की कहाँ जा रहे हो तुम तो यार ईद का चांद बने हो दिखते ही नहीं कहाँ बिजी हो और ये चक्कर क्या है रुद्र भैया आपके डैडी बनने की आदत नहीं जाएगी ना है? इतने शुभ काम के लिए जा रहा था टोक दिया आपने बीच में इससे अच्छा तो कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाती मेरा शाम को आराम से लौटते हैं ना बैठते हैं शाम को चलो हाय विक्की हमको ना आपसे कुछ बात करनी है हाँ बोलो ना हमें ना हम आई लव यू क्या विक्की ये क्या बोल रहे हो तुम मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं समझा था मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ दफा हो जाओ मेरी नजरों से दोबारा अपनी शक्ल तक मत दिखाना बदला कभी ये फैसला तुमने इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता हम और नहीं पियेंगे क्यों यार अभी तो शुरू की नहीं पियेंगे रखो हमारा गिलास ऐसे थोड़ी होता है सुसाइड करेंगे पागल लेके ऐसे क्या बात करते तू यार हम भी नहीं पियेंगे हम सुसाइड करेंगे तुम तो साले बोलो ही मत क्या हुआ यार तुम हमारे भाई नहीं हो ऐसे मत बोलो यार नहीं साले हमने इसके कहने पे हमने आप रोजा को प्रपोज किया हमने हमारी गाल पे थप्पड़ मारा ये देखो यहाँ पे ये जोर से मार दिया बहुत जोर से मारा भाई हमने तुमसे बोला था ना उसको व्हाट्सएप कर दो साला बोलने की टेंशन ही कहता साला लड़की क्या है लड़की साला हम भी देखो अभी भी समा की याद में खोए लड़की आ तू तुम साले अभी भी पी रहे हो तुम दोस्त नहीं हो हमारे भाई ऐसे मत बोल यार थोड़ा पी ले थोड़ा तो पी ले
उसकी ताकत खत्म कर दी थी ना, फिर वो पुरुष वापस कैसे आया? रिकी, हमसे कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो ऐसा गलत हुआ है हमसे जिससे उस पुरुष की शक्ति खत्म नहीं हुई है। सोचो विक्की, सोचो हमसे ऐसी क्या गलती हुई है, सोचो। विक्की, तूने उस पुरुष की छोटे हाथ की उल्टी उंगली काटी थी ना, मेरा मतलब उल्टे हाथ की छोटी उंगली काटी थी ना भाई। भाई हम एक काम करते हैं, हमने जहाँ पुरुष की उंगली काटी थी ना वहाँ चलकर चेक करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पुरुष की उंगली है या नहीं। चले, चलो 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 चलो। चक्कर बेटू, चक्कर खोलो। नहीं है, वहां देख, वहां देख, उधर थोड़ा वहां देख। यहाँ पर भी नहीं। साले, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? तेरी इस गलती की वजह से आज पुरुष फिर से गांव में आ गया। गांव के आधे से ज्यादा लड़के उठ गए। तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है यार? भाई मुझको पता है गलती मेरी है ना, तो इस गलती को ठीक भी मैं ही करूंगा। मेरी वजह से इन गांव वाले लोगों की जान खतरे में गई है ना, तो मैं ही उनको लेके आऊंगा वापस। और मैं अब तुम लोगों की जान भी खतरे में नहीं डाल सकता, तो मैं अकेला ही जाऊंगा उस खंडर में। वाह साले वाह, आज तक हर गलत काम तूने हमारे साथ किया है और आज जब कुछ अच्छा करने की बारी आई तो अकेले जाएगा तू वहां पर। जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा, समझा? सही कह रहा है, आज तक सारे काम साथ में किए तो ये भी साथ में ही करेंगे। चलो तुम लोग जाओ। अरे रुद्र भैया, आप भी चलिए ना साथ में, आप तो सीनियर हैं, आप आगे चलेंगे। चलो 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 चलो।
गांव नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते, बच्चों को वापस बेटा पुरुष तुमको उठा के लेके गया, क्या किया तुम लोग? तेरे बिकिर हुए दोस्त कहाँ गए बेटा? मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, हमें पुरुष उठा के लेके गया था और कल विक्की और उसके दोस्त आए और आज हमें छोड़ दिया और उन्हें रख लिया। कैसे रखा पुरुष ने? क्या हुआ भाई, कल कहाँ गया था तुम्हारे? छोड़ कैसे दिया तुम्हें भी? बताता हूँ बेटा, बैठो सर, आराम से बताता हूँ, बैठो। कुछ रात पहले हम लोग खंडर में गए थे, वो पुरुष ने हमको कुछ ऐसा दिखाया जिससे हमारी आंखें खुल गई, हमारी सोच बदल गई। वो इस गांव में कोई शादी या सुहागरात करना नहीं चाहता था, वो बस अपनी इज्जत चाहता था जो इस गांव वालों ने उसको कभी नहीं दी। क्या गलती थी उसकी, क्या गलती थी कि उसने एक लड़के से प्यार किया? इस गलती की वजह से तुम लोगों ने उसको जला के मार दिया। अजय नाम था उसका, अजय, तड़पा था वो। बहुत गलत किया तुम लोगों ने उसके साथ, बहुत गलत किया। कोई तुम्हारे बेटे को जलाएगा ना, तब तुम्हें कैसा लगेगा तुम्हें पता चलेगा। वो तब तक इस गांव के लोगों को उठाता रहेगा जब तक तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे।